तो चलिए हम लॉस की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे अभी बॉल स्लग के लिए, ठीक है, कि बॉल स्लग क्या होता है, कब लगता है और क्या क्या होता है। तो बच्चों, अगर बॉल स्लग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको याद करना है कुछ बातें, जब तभी ये बॉल स्लग चाहे कोई भी लॉ लगेगा। सबसे पहले कि वो गैस कैसी होनी चाहिए, वो आइडियल गैस होनी चाहिए। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन इसके लिए कि यह गैस कैसा होना चाहिए, यह गैस आइडियल गैस होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए। दूसरा जो है इसकी, कि ये इसकी क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए। बॉयल्स ला उसी पे लग सकता है जब वो गैस आइडियल हो। अगर गैस आइडियल नहीं है तो हम उसको बॉयल्स ला नहीं लगा सकते। तो सबसे पहली बात है कि वो आइडियल गैस होनी चाहिए। दूसरा जो है वो है इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स होनी चाहिए, फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना। इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अगर उसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है तो उसे बॉयल्स ला नहीं लग सकता। पहली बात समझे कि बॉयल्स लॉ में गैस जो होना चाहिए वो आइडियल होनी चाहिए, दूसरी बात है वो फिक्स क्वांटिटी होना चाहिए, और तीसरी जो अहम बात है वो ये है बच्चों कि तीसरी जो बात है कि उसकी जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ब्यूटी नाम से बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, राइट। तो हम एक तीन बातें याद करेंगे कि आइडियल गैस होनी चाहिए बॉयल्स लॉ लगाने के लिए, दूसरा जो है फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, और तीसरा हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। तो उस लॉ को अपन लोग क्या बोलेंगे, बॉयल्स का बोलेंगे। अब आगे देखते हैं कि उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बॉयल्स में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, राइट। तो अब देखते हैं क्या होता है। चौथा चौथी बात यह है कि जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है उस समय इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। आइडियल गैस है, फिक्स क्वांटिटी है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और इसको हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। तो अब आगे जरा देखते हैं भाई और क्या बोल सकते हैं। तो हमारे पास गैस इक्वेशन है, जरा समझते हैं। यहाँ पे गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू है एन आर टी, ओके। हमने कहा एन कॉन्स्टेंट है, इसमें आर कॉन्स्टेंट है और टी हमारा कॉन्स्टेंट कह रहा है, ठीक है। एनआरटी तीनों कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं पीवी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, है ना। पीवी इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं, या बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं पीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी, या इक्वेशन इसमें क्या बना सकते हैं, पीवी, ये इक्वेशन है, ये चौथे नंबर पॉइंट है, पांचवा पॉइंट इक्वेशन का, है ना। इक्वेशन भी जानना जरूरी है बच्चों, इक्वेशन है इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, पी वन वी वन इक्वल टू कितना, पी टू वी टू, है ना, ये हमारी वैल्यू आ गई। या फिर हम बोल सकते हैं पी वन बाई पी टू इक्वल टू पी टू बाई वी वन। ये हम आइडियल गैस की बात करते हैं, और आइडियल गैस के लिए फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, बॉयल्स लगाएंगे, और बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं इस ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। और आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी रख के, और एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी है, या मैं इक्वेशन क्या बना सकता हूँ बच्चों, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू बी टू, या पी वन बाई पी टू इक्वल टू बी टू बाई बी वन, राइट। अब एक बात और देखते हैं, जो आसान से चीज है, जो जानना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन आता है, वो ये है पांचवा और सिक्स नंबर पे, उसका ग्राफ, ग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी, जरा इधर समझते हैं, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो भैया स्ट्रेट लाइन का बनता है इक्वेशन x और y में, है ना। या फिर हम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोलेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं, तो कैसा इक्वेशन बनेगा, कैसा किसके ग्राफ बनेगी, स्ट्रेट लाइन की ग्राफ बनेगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये y है और यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो जो ग्राफ बनता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है, ये वाई है, ये एक्स है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसे बनता है, क्योंकि इसका इक्वेशन अगर लिखे तो वाई इक्वल टू लिखते हैं एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू जीरो है तो कहां से पास करेगा, वो ओरिजिन से पास करेगा। क्या मेरी बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और एम, अगर जो एम है यहाँ पे, अगर एम 90 से कम है, स्लोप 90 से कम है, तो स्लोप पॉजिटिव होता है, 90 से ज्यादा होता है स्लोप निगेटिव जाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो ग्राफ की बात करेंगे। अगर हम पीवी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हमने पी लिया और यहाँ पर हमने वी लिया, तो हम पी और वी के बीच में जो रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली का रिलेशन आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, ओके।
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि P और 1 अपॉन B के बीच ग्राफ प्लॉट करिए, मैं इधर ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, जरा ध्यान से नोट कर लीजिए भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके इसे फटाफट फिर हम उसके आगे की बात करेंगे। तो बॉयल्स लॉ में आइडियल गैस होनी चाहिए, क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि यह आइसोथर्मल प्रोसेस है और इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है, एन आर और टी तीनों कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू हम बोल सकते हैं कांस्टेंट है, पी इक्वल टू 1 अपॉन वी लिख सकते हैं, या इक्वेशन इसका हम बना सकते हैं बच्चों पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, या पी वन बाई पी टू इक्वल टू वी टू बाई वी वन। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ओके चलिए तो ये बात हम लोग सीख गए। अब ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसमें ग्राफ हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले तो इक्वेशन की बात करें, तो इक्वेशन हम लोग क्या लिख रहे थे, इसमें इक्वेशन लिख रहे थे क्या भाई, बोलिए हमने कहा था PV इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, है ना, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग बात करें तो पी इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी आ रहा है, तो हम अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें P और V में, तो कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे जरा देखिए बच्चों, ये P है, ओके है कि नहीं, ये P है और यहां भी क्या है V है, आप एक मिनट ध्यान जरा देखें इस पे क्या है V है, तो इनके बीच का ग्राफ अगर हमें बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये इसे कैसा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कैसा, ये ग्राफ बनेगा बच्चों रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपर बोला, ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। और भी ग्राफ को हम लोग देखते हैं, देखे चलिए, और एक बात और समझिए, इन सभी पॉइंट्स पे जहां भी इन पॉइंट्स ले रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स पे टी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, जरा देखें ध्यान से, अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं पी वी, पी और किसका वी का, पी और वी का, वन अपॉन बी का, सॉरी वन अपॉन बी का, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन बी के, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन बी के, तो हम लोग कैसा बना सकते हैं, तब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। और यहां पर देखिए हर पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हमारा कॉन्स्टेंट होगा, टी जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, राइट। तो ये अपना ग्राफ बन गया। अगर बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे पी और टी के ग्राफ प्लॉट करना चाहें, पीटी ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ये पी है प्रेशर है और इस पे टेम्परेचर है, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कुछ ऐसे ग्राफ बन जाएगा, राइट। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं क्या, अगर बच्चों में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं किसका, वी और टी का, ये वी और इस पे टी का, तो टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये टेम्परेचर ऐसे ही रह जाएगा। देखो यहां से अगर इधर में बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, इधर आया तो टेम्परेचर घटा, इधर आया तो बढ़ा, इधर आया तो घटा, लेकिन किसी पॉइंट पर मैं रुक गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब वी कांस्टेंट नहीं है लेकिन टेम्परेचर यहां पे क्या है, कांस्टेंट, राइट। अगर इसी तरीके से ये तो था पीटी ग्राफ, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये बच्चों ऐसा हो जाए, ऐसे दे दे कि ये P है, ये T ले ले इसमें और इसमें P ले ले, तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ऊपर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, नीचे तो टेम्परेचर घटा, किसी एक पॉइंट पर रुक गए तो टेम्परेचर क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया, है ना, और ग्राफ कुछ हम लोग ऐसे बना लेंगे। अगर हम लोग बात करें बच्चों एक टेम्परेचर है और यहाँ पे मैं कहूँ वॉल्यूम है, तो हम लोग कैसे बात करेंगे भाई, तब टेम्परेचर फिर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर गया तो बढ़ा, नीचे तो घटा, लेकिन किसी एक जगह पर रुक गया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं। तो इस तरह का ग्राफ हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे जब स्लोप की बात करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। ओके तो जल्दी से नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट करिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके हाँ चलिए जल्दी से नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, चलिए ओके करिए। ये सभी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पी और वी एक दूसरे के में अगर बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और पी और वी के बीच का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और टेम्परेचर बच्चों ध्यान देना जरा, ये इन सभी जगहों पे जो टेम्परेचर वो कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। और एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे जो स्लोप है, देखिए भाई स्लोप हर जगह स्लोप क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है, स्लोप हर जगह क्या हो रहा है,
इक्वल आ रहा है ना, राइट। चलिए बात करते हैं, ठीक है ना, चलिए ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से, फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके चलिए, तो एक क्वेश्चन भी करते हैं इस पे, है ना। क्वेश्चन ये है, देखे जरा, क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर ये पीवी ग्राफ दे रखा है, ये पी है और ये वी है, ओके। अगर मैं यहां पे दो कर देता हूं, ये टी वन है और ये टी टू है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है इसमें टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, दूसरा ऑप्शन है टी वन इज इक्वल टू टी टू, तीसरा ऑप्शन है टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, और चौथा जो है वो है नन ऑफ दीज का, ओके। इस तरह क्वेश्चन को आपको देखने के मिलेंगे एग्जाम में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहां पे लिया पी, यहां पे बच्चों लिया वी, और हम कह रहे हैं कि ये अब इस बार ये टी टू है, सॉरी इसको मैं टी वन बोल देता हूं, ये टी वन है और इसको मैं बोल दिया अब इस बार टी टू, ठीक है। फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूं इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन सही है, टी वन इज इक्वल टू टी टू, या दूसरा जो है ऑप्शन है टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, या तीसरा जो ऑप्शन है वो है टी वन इज लेस देन टी टू, या चौथा जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज का, ओके। तो आपको दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर वन है ये, ओके, ये क्वेश्चन वन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है इन चार ऑप्शन में से, और क्वेश्चन नंबर टू है, और इसके लिए जो है ये ऑप्शन है नीचे दिए गए, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वाले ग्राफ के लिए। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे कि कोई सी एक पे, चाहे पी पे चाहे वी पे, एक लाइन खींच दीजिए। हमने लाइन खींच दिया, ठीक है, लाइन खींच दिया मतलब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी वन आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी टू आएगी। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, या तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इस ग्राफ को देख करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो P2 है वो ग्रेटर देन क्या है, P1 के बराबर, राइट। अब हमको ये पता करना है कि अगर P2 ग्रेटर है P1 से, तो इसमें T1 और T2 में क्या रिलेशन आता है, ये हमको बताना है इस ग्राफ को देख करके। हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है PV is equal to nRT। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, v कांस्टेंट है, तो p किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t हो रहा है। इससे अपने को क्या समझ में आता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ प्रेशर देखिए बढ़ रहा है ना, p2 इज ग्रेटर देन p1 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि t2 जो है वो ग्रेटर है किससे, t1 के, क्योंकि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, P जो है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और प्रेशर अगर नहीं चेंज होता तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इस ग्राफ में ये देख रहे हैं जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हम जानते हैं इस एक्सिस के ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो चीजें बढ़ेंगी, तो पी वन से ज्यादा पी टू है तो मैं बोल सकता हूं कि पी टू इज ग्रेटर देन पी वन। तो हमको बताना है कि टेम्परेचर में क्या होगा, हमने कहा प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1 है, तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं कि T2 इज ग्रेटर देन T1। क्या मेरी बात समझ पा रहा है, तो अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर भी वही बात करेंगे, क्या करेंगे, कहीं एक किसी एक को हम कॉन्स्टेंट कर देंगे, हमने यहां पर एक लाइन खींच दी, यहां पर वॉल्यूम क्या होगा हमारा, कॉन्स्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो ये क्या होगा भाई, ये हमारा P1 हुआ और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा P2 होगा, राइट। तो P1 है ये और ये हमारा P2 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए क्या बोल सकते हैं, इस ग्राफ से साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि P2 इज ग्रेटर देन P1, साफ दिख रहा है इस ग्राफ से, राइट, साफ दिख रहा है यहां पे। अच्छा एक मिनट, यहाँ गलती क्या होगा कि T2 ले रखा हमने तो यहाँ पे P2 लेंगे, और यहाँ पे T1 ले रखा तो यहाँ पे हम P1 लेंगे। अब तो मामला बदल जाएगा फिर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे P1 greater than P2 हो गया, क्योंकि नोटेशन हमने चेंज कर दिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, P1 greater than T2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, ये ऑप्शन ना सही होगा, कि ऑप्शन कौन सही होगा, वन सही होगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको T1 माना, इसको T2 माना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए फिर से, तो हम लिख सकते हैं पी वी
इक्वल टू एन आर टी। टी जो है यहाँ पे टी के बारे में हमें लिखना है कि कौन बड़ा है, एन बड़ा, एन और आर दोनों कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू कितना टी कह सकते हैं, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बोल सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है टी के है। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पे देखिए अगर इसको हम P1 मानते हैं इसको P2 मानते हैं, ये मानने के ऊपर है, इसमें हमने उल्टा मान लिया था, T2 याद है तो हमें P2 मानना चाहिए, यहाँ T1 है तो यहाँ P1 मानना चाहिए, लेकिन हमने इसको P1 और इसको P2 मान लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे T1 है तो हम इसको P1 मानेंगे, यहाँ T2 तो इसको P2 मानेंगे, है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटा तो टेम्परेचर क्या होगा घटेगा। तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो बड़ा है P2 का P1 से, तो टेम्परेचर भी क्या होगा वो बड़ा होगा, यानी T2 बड़ा होगा किससे T1 के, T2 बड़ा होगा T1 से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इस ग्राफ से साफ दिख रहा है P2 बड़ा है किससे P1 से, यहां पर हमने उल्टा मान लेते इसलिए चीजें गलत हो रही थी, यहां P1 है क्योंकि इस ग्राफ के लिए हम क्या मान रहे हैं T1, इसको हमको मानना पड़ेगा P1, ये हमारा T2 इसको मानना पड़ेगा P2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि P2 ग्रेटर है P1 से, तो T2 ग्रेटर होगा किससे T1 से। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई बताओ जरा, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, P2 ग्रेटर है P1 से तो T2 ग्रेटर होगा किससे T1 से, यानी ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मेरी बात समझ पाए, तो इसको जल्दी से नोट करिए और बॉयल्स लॉ में हम कैसे वक्र निकालते हैं वो भी यही चर्चा कर लेंगे, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स मामला अलग से करेंगे लेकिन इधर भी अपन लोग थोड़ा बहुत चर्चा उसकी कर लेते हैं, राइट। चलिए नोट करिए, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस भी, तो जल्दी से नोट कर ले बच्चे, ओके चलिए नोट करिए, ओके ठीक है बच्चों। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे, ग्राफिकल जब भी क्वेश्चन आएगा आपको करना सिर्फ इतना है कि PV is equal to NRT लिखिए, जो जो कांस्टेंट मिला वो कांस्टेंट रखिए और देखिएगा जो वैल्यू जो दिया हुआ है और जो पूछ रहा है उसमें क्या रिलेशन आएगा, है ना। बस अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, या प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। जल्दी से नोट करिए तो फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलिए, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं वर्कडन के, है ना, हम इस बॉयल्स लॉ में ही हम उसका वर्कडन भी निकालना चाहते हैं। देखो बच्चों क्या है कि बच्चे जो है अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना, यहाँ केडीजी में पहले बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, फिर थर्मोडायनेमिक्स में उसको आइसोथर्मल प्रोसेस से पढ़ते हैं, फिर वहां पे वर्क डन निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है हीट सप्लाई कितना की है वो निकालते हैं। आप एक ही जगह पर सारी चीजें भी पढ़ सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। आप कहते हो कि जो है अलग अलग चीजें पढ़ेंगे तो चीजें और भी कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो बेहतर है कि एक जगह भी सारी चीजें निकाल लें। चलिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, हालांकि ठीक है अगर नहीं समझा तो मैं थर्मोडायनेमिक्स भी बताऊंगा फिर से, चलिए देखते हैं जरा। देखो भैया वर्क डन निकालने का एक तरीका होता है, ये हम कहां से आया बताएंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, तो P इंटू कितना dV, और अगर वॉल्यूम V1 से लेकर के V2 जाता है तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, राइट। तो अब देखो बच्चे क्या लिख सकते हैं भाई, PV इज इक्वल टू था हमारे पास NRT, राइट, NRT था, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी NRT बाय कितना V, राइट। ये वैल्यू उठा करके यहां पर रखा जाए तो देखिए क्या आ जाएगा, W स्क्वायर तो हो जाएगा एन आर टी बाई वी, और यहां पर कितना डी वी, और कहां से कहां तक वी वन से लेकर के वी टू तक, हम n कांस्टेंट है राइट, r कांस्टेंट है राइट, t कांस्टेंट है, तो बचा क्या v, तो हम क्या कर सकते हैं W स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान दे जरा, W स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, W स्क्वायर टू एन आर टी, और कहां से कहां तक वी वन से लेकर के वी टू तक, और यहां बचा वन अपॉन वी, और यहां पर क्या बचा बोलो डीवी। अब एक बात अपने को पता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, अगर हम लोग पढ़ते हैं वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एलएन एक्स बोलते, नहीं बोलते एलएन एक्स बोलते हैं ना, चलो इधर भी देखते हैं क्या करने वाले हैं, है ना, चलो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इधर देखिए जरा, इधर देखिए वन अपॉन एक्स डीएक्स है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसका इंटीग्रेशन ln, इसको ln लिख लेते हैं, ln x लिख लेते हैं, वैसे 1 upon v dv है इसको क्या लिखेंगे ln x ln v, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं w इक्वल टू लिख सकते हैं n r t, और साथ में क्या ln v, और कहां से कहां तक लिमिट, कहां से कहां तक v1 से लेकर के v2 तक, राइट।
राइट, बोलो बच्चों लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका वन अपॉन बी का इंटीग्रेशन कितना आया, एल एन बी, और बी वन से लेकर कहां तक, बी टू तक। ये अपर लिमिट है और ये हमारा लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू रखिए तो डब्ल्यू स्क्वायर भी कितना आएगा, एम आर टी और क्या, एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, राइट। और क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर लिख सकते हैं एम आर टी और कितना, एल एन, मैं यही लिख देता हूं, और क्या लिख सकते हैं, एल एन लिख सकते हैं वी टू बाई वी वन, ठीक है। ये हमारे पास एक वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर बेस 10 रखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू स्क्वायर टू हो जाएगा एन 2.30, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.3 एन आर टी लॉग बेस 10 और कितना वी टू बाई वी वन, ये वर्क डन आ गया हमारा। किस प्रोसेस के लिए, ये प्रोसेस हम कहलाता है क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, या इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, और इस प्रोसेस करें, इस लॉ कौन सा लॉ लग रहा था इस टाइम पे, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहां पे लगाते हैं हम लोग क्या, बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ लगाते हैं, या हम इसको ऐसे ले याद कर लेते थे ब्यूटी, है कि नहीं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, उस लॉ को बोलेंगे बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो पीवी स्क्वायर क्या आएगा, कांस्टेंट, इससे पहले हम लोगों ने करा भी था, पीवी स्क्वायर क्या आएगा, कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, वॉल्यूम के। ये सारी बातें हम लोगों ने करी बॉयल्स लॉ, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बॉयल्स लॉ ये सारी बातें आपको आना चाहिए, उसको वर्क डन निकालने आना चाहिए, उसका इक्वेशन लिखने आना चाहिए, उसका ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए आपको। तो वर्क डन के लिए ये 2.3 एनआरटी लॉग 10 बेस 10 V2 by V1. अगर LN लिखते हैं तो V2 by V1 लिखेंगे। LN से हम लोग क्या, अगर बेस 10 इसको लगाना चाहते हैं 2.3 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, बोलो बच्चे, है ना, नोट करो। अच्छा कुछ करता है, बोलो। अरे नहीं नहीं नोट करो भाई। चलो भाई चलो बोल ही देते हैं भाई, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, मतलब जो कुछ भी करो ना आप पूरे मन से करो, चाहे वो जंग हो, चाहे इसको, चाहे पढ़ाई हो, तो फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो इस भरपूर होना चाहिए। चलो नोट करो फटाफट, ठीक है बच्चों, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बॉयज लॉ की वैल्यू थी, इसमें हम लोग वर्क डन निकाल लिए, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे और कुछ जो है इसके बाद बात करेंगे चार्ल्स लॉ की। ओके ठीक है।